हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने बैटल ऑफ प्लासी तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी के आफ्टर क्या हुआ था। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असेसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग, लेकिन कंपनी अभी तक क्या थी, तैयार नहीं थी टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ट्रेड को बढ़ाना था। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट, लेकिन वो ये क्या चाहती थी कि इसको वो बिना किसी विजय के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के इसको पाना चाहती थी। थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स के, हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, वो चाहते थे कि वो तैयार हो जाएंगे ग्रांट प्रिविलेजेस का मतलब विशेषाधिकार देने के लिए। देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, तो उनको जो टेरिटरी थी, जो एरिया था जिस पे वो ट्रेड करना चाहते थे, उनको वो डायरेक्टली उसको नहीं लेना चाहते थे, उनको ज़रूरत ही नहीं थी। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रैदर डिफिकल्ट, लेकिन अभी तक कंपनी को क्या था, ये मुश्किल लग रहा था। फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड दैम टू बी, वो क्या चाह रहे थे कि कभी भी जो पपेट नवाब हैं वो हमेशा के लिए उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगे, ताकि वो उनको अपनी उंगलियों पे नचाते रहे। तो आफ्टर ऑल दे हैड अ मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी, इसके लिए उनको क्या करनी होगी, वो चाहते थे कि पहले हम अपनी डिग्निटी बनाएंगे, सम्मान बनाएंगे, एंड सोवर्जेनिटी मतलब कि हम रूल फॉलो करेंगे इंडियंस के। इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट, अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं फ्रॉम दियर सब्जेक्ट, जो रूल वो खुद भी बनाएंगे और जो इंडियंस के रूल है उनको भी फॉलो करेंगे। और वो क्या चाहते थे कि जो खुद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स का मतलब इसमें रूल्स ही है, वो क्या चाहते थे कि रिस्पेक्ट करेंगे, अगर पीपल रिस्पेक्ट करते हैं जो उन्होंने रूल बनाए हैं। वट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या कर सकती थी। वैन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस, अब मीर जाफर को क्या किया, उन्होंने हटा दिया, तो मीर जाफर उनके अगेंस्ट में हो गया और उसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। वैन मीर कासिम कंप्लेंट, जब मीर कासिम ने कंप्लेंट की, ही इन टर्न वॉज डिफीट इन अ बैटल फाउट एट बक्सर, तो वो जो ये जो उनकी बातचीत थी वो लड़ाई झगड़े में बदल गई और ये बैटल हुई थी बक्सर की 1764 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बक्सर की जो बैटल है वो कब हुई थी, 1764 में। ड्रीवन आउट ऑफ बंगाल में हुई एंड मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल, अब मीर जाफर को दोबारा से क्या किया गया, क्योंकि मीर कासिम तो हार गया था बैटल ऑफ बक्सर में, तो मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया। द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, अब जो नवाब था उसको, मीर जाफर को, एवरी मंथ 5 लाख ब्रिटिश को, कंपनी को पे करने पड़ते थे। बट कंपनी वॉन्टेड मोर मनी, लेकिन कंपनी और भी ज़्यादा पैसा चाहती थी। टू फाइनेंस इट्स वॉर, वो अपनी जो ज़रूरतें पूरा करनी चाहती थी, जो युद्ध लड़ रही थी वो, एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड, जो व्यापार की जो ज़रूरतें थी, जैसे बिल्डिंग बनाना था या फिर उनको रॉ मटेरियल ख़रीदना था, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, एंड अदर एक्सपेंसिस, जो वो अपनी अदर एक्सपेंसिस थे उनके। इट वॉन्टेड मोर टेरेटरीज एंड मोर रिवेन्यू, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू चाहती थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड, जब मीर जाफर 1765 में मर गया, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, मूड चेंज हो गया था, क्योंकि मीर जाफर ही क्या था, एक पपेट नवाब की तरह काम करता था, लेकिन हैविंग फेल टू वर्क विद पपेट नवाब, अब उनका जो ये काम करवाते थे पपेट की तरह, पपेट की तरह, तो इसकी वजह से क्या करते थे, उनका ये काम भी फेल हो गया था। क्लाइव ने डिक्लेयर किया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब सोवरसेल, बल्कि हमें खुद के ही पर्संस को नवाब बनाने की ज़रूरत है। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, तो 1765 में क्या किया, मुगल एम्परर ने अपॉइंट किए
कंपनी की मदद से दीवान बनाने शुरू कर दिए। अब नवाब की जगह क्या बनने शुरू हो गए, दीवान बनने शुरू हो गए। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सिस ऑफ बंगाल। अब दीवानी को क्या अलाउड किया गया कि जो कंपनी है यूज कर सकती है जो रिवेन्यू है रिसोर्स जो बंगाल के रिसोर्सिस है वो सभी के सभी रिसोर्सिस को यूज कर सकती है। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम। अब जो ये मेजर प्रॉब्लम थी दैट द कंपनी हैड फेस्ड अर्लियर फेस्ड जो पीछे से ये फेस करती आ रही थी अब उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फ्रॉम द अर्ली 18th century इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। तो अर्ली 18th century के बाद क्या हुआ, उसके ट्रेड इंडिया के साथ एक्सपेंड होना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो गए। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, जो ब्रिटिश से जो कंपनी थी वो सारा का सारा जो गुड्स था माल था वो सारा का सारा इंडिया से गोल्ड और सिल्वर के बदले खरीद रही थी, इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया। गोल्ड और सिल्वर इंडिया वालों को देती थी और यहाँ से रॉ मटेरियल जो लेना चाहती थी वो लेके जाती थी। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। क्योंकि ये किसकी वजह से था, क्योंकि ब्रिटेन के पास ऐसे रिसोर्सिस नहीं थे, बल्कि ऐसा सामान नहीं था कि वो इंडिया में बेच सके, इसलिए क्या करती थी वो गोल्ड और सिल्वर को देती थी। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। जब ये आउटफ्लो था जो गोल्ड और सिल्वर का आवाजाही थी वो स्लो हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी के बाद, एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। जब इन्होंने दीवानी बनानी शुरू कर दी क्योंकि उनको मोर रिवेन्यू मिल गए थे, तो इसकी वजह से ये पूरी तरह से स्टॉप हो गई। नाउ रिवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसिव। जो रिवेन्यू इंडिया से वो कलेक्ट करती थी उसी से वो कंपनी की जरूरतों के ऊपर खर्च करती थी। दीज रिवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। अब इन रिवेन्यूज को किस किस में यूज किया जाता था, कॉटन को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया से, और मेंटेन कंपनी ट्रूप्स वो सैनिक बनाने लग गई थी, एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। और वो साथ ही साथ उसने क्या बनाने शुरू कर दिए थे, कंपनी के फोर्ट बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी थी, किले बनाना शुरू कर दिए थे और ऑफिसेज बनाना शुरू कर दिए थे कलकत्ता में। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबूब्स। अब जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो नबूब कैसे बन गए थे, व्हेन डिड इट मीन टू बी नवाब, इसका मतलब था नवाब्स। इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका मतलब है कि कंपनी ने पावर ले ली है और अथॉरिटी ले ली है कंपनी ने। बट इट ऑल्सो मीन्स सम, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। बल्कि जितने भी कंपनी के सर्वेंट थे उन्होंने शुरू कर दिया था, उनका जो सपना था वो कैसा सपना था कि वो नवाब की तरह रहना चाहते थे, और उनका वो सपना पूरा होने लग गया था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्ज। जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के उनको फोर्स किया गया टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट, कि वो क्या करे कंपनी को ना ज़्यादा से ज़्यादा लैंड दे और पैसे भी दे और उनको पर्सनल गिफ्ट भी दे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। इस तरह से ना रॉबर्ट क्लाइव ने, उसने क्या, अमेज्ड का मतलब उसने काफ़ी सामान, बल्कि गिफ्ट हो गया, लैंड हो गया, तो काफ़ी फॉर्चून मतलब कि उसके लिए भाग्य के तौर पर, मतलब कि उसका भाग्य आगे बढ़ गया था, काफ़ी सारी उसने क्या कर ली थी, धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। ही हैड कम टू मद्रास, वो मद्रास में आया, नाव जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 में, एट द एज ऑफ, जब वो 18 ईयर्स का तभी वो मद्रास में आ गया था इंग्लैंड से। When in 1767 he left India, वो 1767 में इंडिया से चला गया था। His Indian fortune was worth euro, ये जो साइन है यूरो का है, इतने यूरो 4,01,102 euro यहाँ से लेके गया था। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal, अब उसको क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था 1764 में। He was asked to remove corruption. उसने क्या पूछा कि करप्शन को रिमूव करना है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन
कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन, लेकिन उसका ही क्रॉस एग्जामिन किया गया इन 1772 में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, विच वॉज सस्पिशियस, मतलब कि वो डाउटफुल था, उसी के ऊपर संदेह था, ऑफिस वाल उसके पास इतनी धन कैसे है। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, एक्विटेड इसको बरी तो कर दिया गया, लेकिन वो शर्मिंदा हो गया था क्योंकि उसका क्रॉस एग्जामिन किया गया था, तो ही कॉमिटेड सुसाइड इन 1774, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी 1774 में। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी क्लाइव, मतलब कि जो और ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, जैसे कि जितना धन क्लाइव ने कमाया था। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज, कुछ क्या हो गए थे इंडिया में ही मर गए थे बीमारी की वजह से या फिर युद्ध में मारे गए थे। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसहोनेस्ट, लेकिन सभी ने ना सम्मान नहीं पाया था किसकी तरह, कि सभी को ये नहीं बोला गया था कि सभी करप्ट है और डिसहोनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड दियर अपर मोस्ट डिजायर, कुछ क्या थे हम्बल बैकग्राउंड से आए थे जिनके पास कुछ था ही नहीं, और जो उनकी अपर मोस्ट जो उसकी मेन सबसे ऊपर की इच्छा क्या थी, वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, इंडिया से ज़्यादा कमा के लेके जाना है, रिटर्न टू ब्रिटेन और ब्रिटेन वापिस जाना है, एंड लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ और वहाँ पे जाके कंफर्टेबल लाइफ को जीना है। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ, जो मैनेज करने में मतलब कि धन को इकट्ठा करने में और वापस जाने में वो मैनेज कर गए कि चले गए थे धन लेके, लेड फ्लैसी, फ्लैसी का मतलब इम्प्रेसिव लाइफ वो करने जीने लग गए थे, एंड फ्लॉन्टेड, फ्लॉन्टेड का मतलब अब वो दिखावा भी कर रहे थे डियर रिचीज, अपनी अमीर होने का। देवर कॉल नबूब्स, अब उनको उन्होंने अपने आप को नबूब्स बोला, एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, ये नवाब का इंग्लिश वर्जन था जिसको उन्होंने क्या बोला, नबूब। देवर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स, अपस्टार्ट्स मतलब उन्होंने अपने आप को हाईएस्ट रैंक पे देखा, एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, मतलब वो ऊँचे पायदान पे थे ब्रिटिश सोसाइटी में, एंड वर रेडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स, कई बार उनको क्या किया गया, उन्होंने जो रैंक हासिल किया था कई बार इसके लिए उनका मजाक भी बनाया गया प्लेज में और कार्टून्स में, नाटक में और जो कार्टून्स आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे कंपनी रूल एक्सपेंड, अब कंपनी ने क्या किया, अपने रूल को एक्सपेंड कर दिया। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन, ऑफ एनेक्सेशन का मतलब होता है हड़पना, अब वो क्या चाहते थे कि हड़पते जा रहे थे वो टेरिटरीज को, अपने राज्य में मिलाते जा रहे थे, ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब से कब तक चली थी हड़पने की जो प्रोसेस थी, 1757 से 1857 तक। सर्टिन की आस्पेक्ट, इसमें कुछ आस्पेक्ट एमर्ज उभर कर आए, द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, कंपनी ने रेयरली ही लॉन्च किया था कि उसने डायरेक्ट अटैक किया हो, और ऑन एन अननोन टेरिटरी, मतलब कि जिस टेरिटरी के बारे में वो जानते नहीं थे। इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ, इसकी बजाय उसने क्या यूज़ किया, दूसरे तरीके यूज़ किए, राजनीतिक, आर्थिक और डिप्लोमेटिक, जो राजनीतिक मतलब कि जो राजशाही लोग हैं जो करते हैं राज्य में करते हैं, मेथड यूज़ किए टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, उन्होंने अपना एक्सटेंड का मतलब बढ़ाने के लिए, इन्फ्लुएंस मतलब कि अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, बिफोर अनेक्सिंग एंड इंडियन किंगडम, बल्कि हड़पने से पहले क्या किया उन्होंने, ये अलग अलग मेथड यूज़ किए। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट, जो कंपनी ने अपॉइंट कर दिए थे रेजिडेंट्स, मतलब कि अब उन्होंने इंडियन स्टेट के अंदर, पहले वो क्या करते थे यहाँ पे परमानेंट नहीं रहते थे, अब उनके घर बनाना शुरू कर दिए थे। देवर द पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट, वो क्या होते थे उनके पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट होते थे, एंड दियर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, उनकी जॉब भी वहीं पे लगाई गई और जो उनका इंटरेस्ट था कंपनी का, मतलब कि इसमें कंपनी की क्या थी, इंटरेस्ट का मतलब इसमें ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है इसमें हित था, भलाई थी। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन
अब जब उन्होंने रहना शुरू कर दिया वहाँ पे, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो इंटरफेयर कर सकते थे, अब दखल अंदाजी कर सकते थे इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स के। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन। अब उन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दिया कि कौन सक्सेसर होगा इस समल की, ताज राजगद्दी पे कौन बैठेगा, ताज किसको मिलेगा, एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और किसको अपॉइंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। समटाइम्स अ कंपनी फोर्स द स्टेट्स इन टू अ, कई बार कंपनी फोर्स करती थी स्टेट को कि सब्सिडरी अलायंस पे करे। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज। इंडियन रूलर्स को अलो नहीं किया गया कि वो अपनी इंडिपेंडेंट अपनी आर्मी रखे, सेना रखे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उनको बोला गया कि कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी, बट हैड टू पे द सब्सिडरी अलायंस एंड द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, कि उनको सब्सिडी बल्कि पे करना पड़ेगा अगर वो सब्सिडरी फोर्स देगी आपको कंपनी, और कंपनी में मान लो कि कंपनी ही मेंटेन करेगी। अगर आपको कहीं पे युद्ध करना है, जो सैनिक होंगे वो कंपनी के ही होंगे। अगर आपको कोई काम करवाना है सैनिकों से तो वो कंपनी के सैनिक ही करेंगे, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर्स फेल हो जाते थे ये पेमेंट भुगतान करने में, देन पार्ट्स ऑफ दियर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब जुर्माने के तौर पर जो टेरिटरी था उसका एक हिस्सा ले लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल वेन रिचर्ड वेलेसली वॉज गवर्नर जनरल, जब रिचर्ड वेलेसली जो गवर्नर जनरल था नवाब ऑफ अवध, उसको फोर्स किया गया था टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, अपने जो एरिया का वो आधा हिस्सा किसको दे दे, कंपनी को, इन 1801 में। एज ही फेल टू पे फॉर द, जैसे ही वो क्या हुआ, सब्सिडरी जो फोर्सेस को पे करने में फेल हो गया था। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू कीड टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, जो हैदराबाद है उसको क्या कर लिया था, कीड टेरिटरीज बोला था, बल्कि ये वाला हिस्सा क्या है किसके बदले में दे दिया गया है, क्योंकि वो पे नहीं कर पाई है कंपनी को, इसलिए ये वाला हिस्सा देने के लिए उसको फोर्स किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।